हेलो गुड मॉर्निंग साथियों आज के वो बात करते हैं जो विशेष सूचना चूंकि आप भी जानते हैं कि लैपटॉप उत्तर प्रदेश सरकार की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत तो घोषणा किया गया था कि आने वाले दिनों में हम एक करोड़ युवाओं को क्या करेंगे लैपटॉप देंगे पिछले कम में हमने घोषित भी किया था कि हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि पहले चरण में जो नवम्बर महीने में लैपटॉप दिया जाएगा तो ये प्रदेश के युवाओं को खास करके उन युवाओं को जो स्नातक और पर की पढ़ाई कर रहे हैं उनके अंतिम वर्ष वाले छात्रों को पहले चरण में दिया जाएगा इस के बाद दूसरा चरण होगा तो बाकी युवाओं को दिया जाएगा तो इस संदर्भ में अलग अलग जो आपके महाविद्यालय या फिर जो विश्वविद्यालय है उनके द्वारा एक साठ नोटिस दिया गया कि जितने युवक खास करके अपने अंतिम वर्षों में हैं वो क्या करें अपना खास करके जाहिर सी बात है कि अब किसको दिया जाएगा तो उनके क्या हो रहे हैं डाटा कलेक्ट हो रहे हैं तो ध्यान किएगा जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि महात्मा ज्योतिमा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय जो कि बरेली से संबंधित है यहाँ पर आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय है और इसके अलावा अगर जो देखा जाए तो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय जो कि कानपुर से है और यहाँ पे रज्जू भैया या फिर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय जो कि प्रयागराज से है तो इन्होंने एक सार्ट नोसविज निकाला है कि जो जो बच्चे क्या है हमारे विद्यालय से संबंधित है वो क्या करे संबंधित डाटा संबंधित डाटा अपने क्या करे विश्वविद्यालय के परिसर में या फिर विश्वविद्यालय की वेबसाइट के, के माध्यम से या फिर वेबसाइट के अलावा आपके क्या किया है एक फॉर्म निकाले गए हैं विद्यालय के माध्यम से उसको फिल करके जमा करा दें क्योंकि उसी आधार पर उनका चयन किया जाएगा ध्यान रखिएगा एक फर्जी सूचनाएं भी इसमें जरूर फैल रही है वेबसाइट के माध्यम से बहुत सारे चैनल वालों ने गूगल फॉर्म जारी किए हैं उस पर बिल्कुल ना विश्वास करिएगा ये केवल एथेंटिक सोर्स है अपने विद्यालय से जाइएगा इधर उधर से कोई सूचना ना मिली है अगर जो कोई सूचना होगी तो सबसे पहले हम देंगे लेकिन यह सूचना एथेंटिक है कि आपके विश्वविद्यालय के द्वारा आपकी सूचनाएं मांगी जा रही हैं आने वाले दिनों में जो आपका टैबलेट वितरण किया जाएगा सरकार के द्वारा तो उस संदर्भ में अपने विद्यालय से जरूर संपर्क में रहिएगा तो यही सूचना थी विशेषतः अगर जो कोई नया अपडेट होगा तो पुनः आपके हाँ साथ जरूर भर होंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू ऑल द बेस्ट